विरोध तो है ही, विरोध तो है, विरोध तो है बिल्कुल। आज़ादी, उस जो आज़ादी को पूरा विश्व मानता है, उस आज़ादी को कहेगा कि 2014 में आवाज भी नहीं, तो स्वाभाविक रूप से विरोध है। कि कहते हैं ना बिहार में कि खून पुकारता है, तो उनका डीएनए है, वो स्वतंत्रता सेनानियों का डीएनए इनमें है। तो ये अपनी आर्थिक मदद मांगने के अलावा वो लड़ाई लड़ें, लड़ाई लड़ें, और साथ में जो भ्रष्टाचार है, जो जो उनके पूर्वजों ने, उनके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था आज़ादी को लेके कि एक स्वच्छ भारत हो, एक अच्छा भारत हो, उस अच्छे भारत के निर्माण की ओर आएँ और साथ में भारत सरकार से ये लड़ाई लड़ें, ये भ्रष्टाचार को मिटाएं, ये भी एक बहुत बड़ी आज़ादी होगी। हमने एक मूवी बनाई थी, आपको याद होगा, जन्म जन्म के साथ, जिसकी मॉरिशस में शूटिंग हुई थी, वो उसमें रवि किशन ने, भाग्यश्री ने, मनोज तिवारी जी ने अभिनय किया था, और जिसमें हमने वो कई सारे सीन उसके दिए थे अपना आंदोलन का भी, जिसमें लुधियाना में आपको याद होगा कि हॉल में बम विस्फोट हुआ था, हाँ उसी मूवी की बात करते हैं। तो हम लोग इस तरह की मूवी बनाते हैं। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं जे टीवी बिहार न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अजय सिन्हा जी, जो यसी फिल्म्स के डायरेक्टर हैं, मालिक हैं। यसी फिल्म्स फिल्म प्रोडक्शन की कंपनी है, जो बड़े बड़े हिट फिल्म दिए हैं और भोजपुरी के आज इतना आगे बढ़ा है। भोजपुरी तो कहीं ना कहीं इनका असर का बहुत बड़ा देन है, यसी फिल्म्स का बहुत बड़ा देन है, जो छोटे छोटे कलाकार को भी मौका दिया है हीरो बनने का, सपनों का साकार करने का। तो कहीं ना कहीं अगर आज भोजपुरी विदेशों में भी फिल्म को देखा जा रहा है, तो यसी फिल्म्स और अजय सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर, आज जो भोजपुरी का विदेश में भी चर्चा होता है, विदेश में भी देखा जाता है, कैसा लगता है? देखिए, ये भोजपुरी के लिए बड़ी गौरव की बात है, जिसमें भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसको भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों हमारे साथ मिलके हम लोग इसका विदेशों में प्रचार प्रसार करते हैं। और जब हम मॉरिशस में, जब 2015 में हम लोग ने बीफा किया, तो वहाँ पे हमारे द्वारा निर्मित मूवी विदेशिया का डिमांड हुआ कि विदेशिया दिखाया जाए, और मॉरिशस के दूरदर्शन पे विदेशिया का चलचित्रण हुआ, और मॉरिशस में हम लोगों को विशेष तौर पे सम्मानित किया गया। वो बिहार दिवस का वो दिन था जिस दिन वहाँ के स्टेज पे विदेशिया का चित्रांकन हुआ। और आज 2019 में जो देश हम पर हुकूमत करती थी, वो देश आज भोजपुरी को सम्मान करती है, और हम लोग अपनी फिल्मों का शूटिंग लंदन में करते हैं, और लंदन सरकार, यूके गवर्नमेंट हम लोग को वहाँ सब्सिडी देती है। सर, जब आप शुरुआत किए थे इस लाइन को, भोजपुरी फिल्म्स को जब बढ़ावा देने के लिए सोचे थे, तब का क्या स्थिति था और आज क्या स्थिति है सर भोजपुरी फिल्म? जब 2004 में हमने अपनी पहली मूवी बंधन टूटे ना का निर्माण किया था, तो उस समय हम लोग को दर्शक बहुत कम मिलते थे, और उसकी क्या कहें, उसकी बहुत सीमित मात्रा में लोग देखते थे। तो हम लोग की कंपनी ने भोजपुरी को एक साफ सुथरी मूवी का निर्माण किया, और इसमें देश विदेशों तक ले गए, बिहार सरकार के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया, विदेशों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया, और आज भोजपुरी का ये है कि कई देशों में भोजपुरी देखी जाती है। जब हम लोग भोजपुरी अवार्ड करने दुबई गए, जब हम लोग लंदन जाते हैं, तो वहाँ के सांसद, वहाँ के मिनिस्टर, जैसे मॉरिशस में हम लोग करने गए थे, तो प्रधानमंत्री जी की पत्नी खुद मौजूद थी, और उन्होंने उस फंक्शन को पूरे 12:30 बजे रात तक देखा। तो कई सारे स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं होती है। जैसे अभी हम लोग 2017 में लंदन में भोजपुरी फिल्म महोत्सव कर रहे थे, तो उस वक्त हम लोग भोजपुरी के साथ ब्रिटिश कलाकारों का फ्यूज़न किए, तो वहाँ के जो काउंसिलेट थे उन्होंने देखा, और वहाँ के समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी संख्या निकला कि भोजपुरी और ब्रिटिश का, अंग्रेजी का फ्यूज़न। तो भोजपुरी आज इस स्तर तक जा पहुंचा है, और हम अगर भोजपुरी इतना प्रिय हुआ कि हमारे भोजपुरी हीरो दो सांसद हुए, आगे की रणनीति, जया प्रदा जी हमारी फिल्मों में काम करती है, अमिताभ जी हमारे हम लोग की फिल्मों में काम करते हैं, कई सारे हिंदी कलाकार, अजय देवगन जी मैंने काम किया है, तो भोजपुरी की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई है, आप लोग को भी लगता ही होगा। रणनीति क्या होगा सर भोजपुरी बढ़ा? आगे की रणनीति तो हम तो अपने सांसदों को बोलते हैं, खासकर श्री मनोज तिवारी जी को बोलते हैं कि भोजपुरी को जल्द से जल्द अब संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको जोड़ा जाए,
और इस भोजपुरी भाषा को एक विशेष सम्मान मिले। सर कहीं ना कहीं ये भी लोगों का आरोप लगता है भोजपुरी फिल्म पे, भोजपुरी सॉन्ग पे, कि कहीं ना कहीं अश्लीलता इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा अश्लीलता को मिलता है, अश्लीलता इससे बढ़ता है क्या? जी जी हाँ जी जी, हम बिल्कुल आपका कहना सही है। इस पर जब प्रहलाद पटेल जी सांस्कृतिक मंत्री थे तो एक डेलीगेशन बिहार प्रदेश अध्यक्ष का मैं भी गया था, बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और मैं खुद मंत्री के पास गया था और कहा कि बिहार में एक सेंसर बोर्ड की स्थापना हो या एक सेंसर बोर्ड, रीजनल सेंसर बोर्ड हो जिसमें ये इस तरह की मूवी को पास ना किया जाए। और होपफुली बहुत जल्दी उन्होंने हमें ये किया था, कमिटमेंट किया था, होपफुली बहुत जल्दी इस सेंसर बोर्ड की रीजनल स्थापना होने वाली है जिसका कार्यालय बिहार में होगा और उसकी जो भोजपुरी फिल्में बनेंगी वो यहाँ से पास होगा ताकि इस तरह का जो अश्लीलता का फिल्म जो लोग बनाते हैं वो रुक जाए। सर यस्सी फिल्म्स का कोई नया प्रोजेक्ट कोई आ रहा है, कोई नया फिल्म कोई आ रहा है तो सर बताएं हमारे को। अभी यस्सी फिल्म एक धारावाहिक बना रही है, वेब सीरीज राजा का बाजा, अभी एक अयोध्या में शूटिंग चल रही है उसकी। आप लोगों ने मुहूर्त हुआ था, आप सुना भी होगा, पटना में मुहूर्त हुआ था, उसकी शूटिंग चल रही है राजा का बाजा, अभी वो बहुत जल्दी चैनल पे आएगा। सर कहीं ना कहीं सर जो कलाकार हैं आज कहीं ना कहीं राजनीति की ओर ज़्यादा राजनीति करने में व्यस्त हैं, तरह तरह के बयान आ जा रहा है। कंगना रनावत जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दी कि 1947 में आज़ादी नहीं हो करके 2014 में आज़ादी मिली है, 1947 में भीख में आज़ादी मिली थी। ये बहुत बड़ी बात सर कंगना रनावत जी के तौर कहा गया था, क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो मैं क्या पूरे देश में पूरा विश्व नहीं मानेगा, पूरा विश्व नहीं मानेगा, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं गांधी जी ने जिस तरीके से आज़ादी दिलाई वो तो पूरा विश्व उसको मानता है। और हम तो मैंने बताया मंच पे भी कि जब हम लोग जिस देश में जाते हैं शूटिंग करने तो वहाँ तो यही लोग बोलता है कि आप गांधी के देश से आए हो और हम लोग को बड़ा सम्मान मिलता है, वो चाहे वो ताशकंद हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, हमारी कंपनी तो हर जगह जाती है। इनकी बयान को विरोध किया जाएगा ऐसी फिल्म्स की तरफ से? विरोध तो है ही, विरोध तो है बिल्कुल। आज़ादी, उस जो आज़ादी को पूरा विश्व मानता है उस आज़ादी को कहेगा कि 2014 में आवाज़ मिली तो स्वाभाविक रूप से विरोध है। सर लास्ट, आप बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन का जो राष्ट्रीय सम्मेलन था उसमें आज उपस्थित हुए, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए मुझे इन लोगों से, 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानियों को, उत्तराधिकारियों से यही कहना है कि कहते हैं ना बिहार में कि खून पुकारता है, तो उनका डीएनए है, वो स्वतंत्रता सेनानियों का डीएनए इनमें है, तो ये अपनी आर्थिक मदद मांगने के अलावा वो लड़ाई लड़ें, लड़ाई लड़ें और साथ में जो भ्रष्टाचार है, जो जो उनके पूर्वजों ने, उनके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था आज़ादी को लेके कि एक स्वच्छ भारत हो, एक अच्छा भारत हो, उस अच्छे भारत के निर्माण की ओर आएँ और साथ में भारत सरकार से ये लड़ाई लड़ें, ये भ्रष्टाचार को मिटाएं, ये भी एक बहुत बड़ी आज़ादी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका उनका एक सच्चा एक मेरा सवाल है, जैसे हिंदी फिल्म जगत जो है वो स्वतंत्रता फ्रीडम मूवमेंट पे बहुत सारी फिल्म बनाई है, तो चूंकि आप भोजपुरी जगत फिल्म से जुड़े हुए हैं तो क्या भोजपुरी पे भी इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आप सोच रहे हैं कि हिंदी में जैसे मंगल पांडे वगैरह जैसे बहुत सारी ऐसी फिल्में आई है, भगत सिंह वगैरह, तो हमारे भी बिहार से भी बहुत सारे धरोहर ऐसे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, तो उन पर भी आप भोजपुरी इस पर फिल्म बना सकते हैं? हमने एक मूवी बनाई थी आपको याद होगा, जन्म जन्म के साथ, जिसकी मॉरीशस में शूटिंग हुई थी, वो उसमें रवि किशन ने, भाग्यश्री ने, मनोज तिवारी जी ने अभिनय किया था और जिसमें हमने वो कई सारे सीन उसके दिए थे अपना आंदोलन का भी, जिसमें लुधियाना में आपको याद होगा कि हॉल में बम विस्फोट हुआ था, उसी मूवी की बात करते हैं, तो हम लोग इस तरह की मूवी बनाते हैं। सर लास्ट क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, बिहार वासियों से क्या कहना चाहेंगे लास्ट, क्या संदेश होगा आपके? तो अभी स्वतंत्रता सेनानी में तो मेरा यही संदेश होगा कि वो उनका अपने पुरखों का वही तभी सम्मान होगा जब ये लोग जो लड़ाई है वो लड़ाई के लिए आगे आए, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।